अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। ये हम लोग हॉस्पिटल आए थे चेकअप के लिए। आयरा जो है ना मैडम, फुल जो है शरारत कर रही हैं। आयरा नो, आयरा साहिबा को मज़ा आ रहा है कि मेरे को शर आयरा गिर जाओगी। आयरा है ना, ये मस्तियाँ करने लगी है। क्लिनिक में भी इसको चैन नहीं है, बहुत नॉटी बच्चा है। बाबा किधर है? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर इधर। बाबा वाश, बाबा वाश, गुड गर्ल, शाबाश। आयरा ने इसको ट्रैक बना लिया। क्लिनिक में आयरा साहबा जो है मस्तियाँ कर रही हैं, बिल्कुल भी बाज नहीं आती। कई दफ़ा मैंने मना किया तो ये उनकी चीज़ें छेड़ रही है। आयरा आजो, आजो, नो 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 नो, जरा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, लीव इट, आजो। आयरू, आयरा आ जाओ। ये बच्चे भी बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं, इतना मना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मेरी बात मान रहे। आयरा गिर जाएगा। आयरा नो, पीकबू, आयरा के बाबा भी मेडिसिन लेने के लिए गए हैं। तो ये आयरा साहिबा जो है ये देखें, ये छोटी सी रैंप है, इस पर बार बार जो है ना ऊपर नीचे हो रही है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इसको कह रही हूँ कि चलो गर्मी है, लेकिन बस सुननी नहीं है बात, बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर मज़ा आए वहाँ पर ही बस लगे रहते हैं। मस्तियाँ इसको लगी हुई हैं। ये देखिए जी, ऑपोजिट है द गार्डन्स 5। आज तो इस तरफ चाँद पर ही जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड जाते हैं। आयरा आप चले बाबा के पास कि नहीं? ये भी कहती होगी इतने दिनों बाद मुझे निकाला अगर भाई, तो मैं ज़रा इन्जॉय तो कर लूँ अच्छे तरीके से, सही टाइम पास करूँ। ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन है सूर्य रहमान की। बस मैं काफ़ी बिजी रही हूँ इस वीकेंड पे, क्योंकि जो हस्बैंड है उनको भी ब्लड प्रेशर था, तो इसलिए ये कि ब्लड प्रेशर हाई था उनका, इसलिए जो है चेकअप कराया डॉक्टर से, फिर उसने मेडिसिन जो है दी हैं, कुछ प्रेस्क्राइब किए। तो ये कि मेडिसिन लेना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन के अंदर ही ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन ये कि बस थोड़ी वीकनेस हो रही थी। डेफिनेटली बॉडी को सूट करते एडजस्ट करते मेडिसिन का टाइम लगता है, ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। लेकिन ये कि संडे नाइट को जो है ना आयरा की तबीयत डाउन हो गई थी, वॉमिटिंग्स कर रही थी, तो ये कि फिर डॉक्टर के लेके गए हम फजर के टाइम ही इसको हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि वॉमिट नहीं रुक रही थी इसको। खैर एनी वेज जो भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये भी ठीक है, बस थोड़ी डाउन हुई हुई है तो रेस्ट कर रही है, और खाने पीने में काफ़ी तंग कर रही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये भी ये बच्चों की जो रूटीन होती है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता ही रहता है। जी बेटा अभी जो है ना रेस्टिंग मोड पर, मुझे बस ये कह रही कि मुझे जो है ना गाड़ी में डालो और चलाओ। मिनी को पकड़ के बैठी हुई है साथ साथ, वो अपना टीवी है उसको देख रही है, साथ साथ पढ़ भी रही है, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल बहुत पसंद है ना। आयरा क्या कर रही हो, कहाँ छुप रही हो आयरा?
आयरा की तबीयत जब ख़राब हुई है इस वीकेंड पे, तो ये कि वॉमिट कर रही थी और रुक नहीं रही थी। तो ये कि हम लोगों ने पहले तो मैंने ये सोचा कि इसको वॉमिट रोकने के लिए मेडिसिन दें, क्योंकि बेचारी कर करके भी थक गई थी। तो मेडिसिन थी नहीं हमारे पास, तो फिर ये कि फाइनली मेरे हस्बैंड को कहा कि जाके फार्मेसी लेके आएँ। तो ये कि फार्मेसी में भी शॉर्ट थी मेडिसिन वॉमिट की, मिली नहीं। फिर मैंने कहा कि चलें इसको लेके जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ताकि इसका ट्रीटमेंट हो या जो भी मेडिसिन है वो कुछ दें। तो फिर ये कि हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन दुबई में ये रूल है कि ये लोग किसी भी चीज़ को डायग्नोज के बगैर मेडिसिन नहीं देते। पहले वो टेस्ट वगैरह करते हैं, और अगर जो भी चीज़ टेस्ट में डॉक्टर समझते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके मुताबिक जो है मेडिसिन देते हैं। तो खैर ये कि उस वक्त ये वॉमिट करके, इसको वॉमिट उस वक्त नहीं हो रही थी, लेकिन ये कि इसने डॉक्टर ने जब चेक किया, डॉक्टर कहते नहीं ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ तो फिर हम इसको जो है ना इसको एडमिट करके इसका चेकअप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। लेकिन ये कि मुझे ये पता था कि इसको यकीन इनडाइजेशन हुई, क्योंकि हम लोग डिनर जब कर रहे थे रात को सैटरडे नाइट को, तो ये बैठी मेरे साथ बड़े मज़े से जी, रोटी के जो थे बड़े बड़े चंक्स जो हैं इसने नवाले पकड़े हैं, और बड़े बड़े फुल फुल मुँह में डाल लिए। तो ये कि मैं रोकती भी रही, लेकिन आयरा साहिबा खा गई फ़ौरन, लेकिन ये कि उसका ये नतीजा निकला कि इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी बाद में, मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग भी आ गए थे हॉस्पिटल सुबह ही, तो ये तकरीबन में हम मॉर्निंग में हम गए थे, फजर की नमाज के बाद गए थे, तो फिर आ गए थे बाद में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाद में, इसकी ये अच्छी आदत है कि कम से कम अगर तबीयत ज़रा सी भी डाउन होती है तो ये खुद ही अपने आप को एडजस्ट करती है, खाना शाना छोड़ के बिल्कुल ना। फिर इसने अगले दोपहर को इसने जाके कुछ दूध पिया था, उस वक्त दूध भी नहीं पिया था, भूखी सो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अब ठीक है बिल्कुल। ये जी इसकी जो बैग है ये पूरा खोलेगी, ये जो इसके टॉयज है ना, ये इसकी फूफो लाई थी। अब बड़े मज़े से जी खोल खोल के एक एक रखती है, और अब इसका खेलने का मूड हो रहा है या रखेगी अंदर। उस दिन बड़ा ना मज़े का काम हुआ, जिस दिन इसकी फूफो लाई है टॉयज, तो उनका बेटा भी जो ईसा है, पिछले किसी एक व्लॉग में जो है वो ईसा भी दिखाया था मैंने आपको, जो इससे तकरीबन 4 महीने बड़ा है, छोटा है। तो वो जो है जैसे ही इसने आयरा ने ये बैग खोला ना, तो वो उसके पास अपना छोटा सा जो है एक कार थी, तो उसने जैसे देखा इसे टॉयज खोले, तो वो फ़ौरन जो है ना आयरा के पास आया, बिल्कुल करीब आया। तो आयरा ने फ़ौरन जो है ना अपने बैग बंद करने की कोशिश की, फ़ौरन टॉयज जो निकाले थे वो रखे हैं इसने फ़ौरन अंदर, और बैग बंद करी कि ये ना ले मेरे से ना। तो ये कि बच्चे बस शेयरिंग कराना पड़ती है, सिखाना पड़ता है इनको ना, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी चीज़ ना सीखें। क्योंकि इनका तो होता है जी कि हम जो है अभी देखें, ये समझ रही है कि खाने की कैरेट है, मुँह खोल रही है। अभी मैं इसको फीडर पर ला रही थी, वो तो पिया नहीं है मैडम ने, और अभी आर्टिफिशियल कैरेट के लिए जो है ना मुंह खोल के खाने की कोशिश कर रही है। देखें बहुत ही प्यारे से टॉय, मुझे बहुत प्यारे लगे। स्पून देखें इतना प्यारा सा है, ये फिश देखें इतनी प्यारी सी है, तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें ये देखें ये सही। ये अगर आप निहारी बनाए तो ये उसे डालें, या पाए बनाए सूप बनाए। और ये कप देखें इतने प्यारे हैं, छोटे छोटे कप्स। आर्टिफिशियल गाजर देखें ये कितने मज़े की है। और ये देखें जी ब्रोस्ट भी है फुल चिकन, पता नहीं इसलिए कहाँ फेंक के। ये देखें जी जग भी है हमारा बड़ा प्यारा सा, जग का आई थिंक कैप भी है, ये जग का शायद कैप लग रहा है, हाँ जग का कैप है ये देखें जी जग का कैप है। बैग बड़ा प्यारा है देखें कितना प्यारा सा है, पीछे जो है ना प्रॉपर जो ये लगे हुए हैं ये बच्चे कंधों पे जो है अपना पहन लें। मैं इसको बंद करके रखती हूँ, सारे जो है ना फैला के, पता नहीं क्या बच्चों को शौक होता है कि सारे जो है खिलौने बाहर निकले हुए, कि खिलौना बिखरा हुआ हो, मज़ा आता है इनको। कभी कभी इसका मूड होता है तो सारे रख भी देती हैं अंदर टॉयस, लेकिन कभी कभी बिल्कुल मूड ना हो तो बस फेंक के चली जाती है फौरन से पहले पहले। आज मैंने इसके आगे से ना थोड़े से बाल कट किए, क्योंकि इसके बिल्कुल आंखों में आ रहे थे, लेकिन ये कि अभी सही कट नहीं हुए, बस एक दफ़े ही मैंने जो है बालों को कैंची लगाई, तो ये जो है बिल्कुल ही आयरा साहिबा ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं अपने बालों को हाथ लगाने देती।